Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम biology class 11 का chapter number 3 that is plant kingdom पढ़ेंगे. इससे पहले की वीडियो में मैं already algae and bryophytes के बारे में अपलोड कर चुकी हूँ. जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज देखें. आज हम शुरू करते हैं pteridophytes से. pteridophytes में बेसिकली बच्चों horse tails and ferns जैसे प्लांट्स इंक्लूड होते हैं. pteridophytes को हम बहुत सारे purposes के लिए use करते हैं, जिसमें से कुछ example है medical purpose के लिए, medicines वगैरह बनाने के लिए, soil binders में use करते हैं, मिट्टी वगैरह को जोड़ने का काम करते हैं ये plants, and used as ornamenters, तो इन्हें ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए भी use किया जाता है. evolutionary इसे हम first terrestrial plants भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास ही सबसे पहले vascular tissues present थे, xylem and phloem. ये कुछ पिक्चर्स आपको दिखा रखी है हॉर्स टेल की एंड फर्न्स की, जिसे बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है. अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स. लाइफ साइकिल देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ब्रायोफाइट की जो डोमिनेंट फेज है ना वो गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, लेकिन जो टेरिडोफाइट्स है उनमें अपोजिट है. यहाँ स्पोरोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है, जो ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड है. अगर आप कंपेयर करें तो जो ब्रायोफाइट्स था उसमें सिर्फ ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट नहीं थी, वैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, रूट लाइक स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. बट इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है एंड वो डिफरेंशिएटेड है ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स में. द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स स्मॉल भी हो सकती है, जिसे माइक्रोफिल्स कहते हैं. एज इन सिलेंजिनेला, सिलेंजिनेला भी एक प्लांट है टेरिडोफाइट्स की कैटेगरी में, वो छोटा लीव्स होती है उनके पास. एंड लार्ज मैक्रोफिल्स बड़ी लीव्स भी प्रेजेंट होती है एज इन फर्न्स. Sporophytes bear sporangia that are supplanted by leaf-like appendages called sporophylls. जो जो sporophytes होते हैं हमारे पास, उसके पास sporangia होता है, ठीक है? उनके पास एक leaf-like structure present होता है, जिसे sporophylls कहा जाता है. तो ऊपर आपको figure में Selaginella, जिसके पास micro leaves, छोटी leaves present होती है, आपको picture में दिखाई गई है, वो होता है. And नीचे आपको sporophylls दिखा रखे हैं. Leaves के अंदर हमारे पास कुछ की red type structures दिखाई दे रहे हैं. इसे कहते हैं हम स्पोरोफिल्स, ठीक है? बात करते हैं, जिन्होंने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें. अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट है या आगे आने वाले वीडियो में डाउट हो आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर पे. टेरिडोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इन सम स्पोरोफिल्स मेड फ्रॉम डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, उनके पास एक कॉम्पैक्ट डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे स्ट्रॉबिलाई कहते हैं, कॉन्स कहते हैं. आप हिल्स वाली जगहों पर देखोगे तो वहां आपको मिलेगी कॉन्स जैसे स्ट्रक्चर्स. द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स. तो ये जो स्पोरेंजिया होते हैं वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं मियोसिस के द्वारा, किसमें? मदर सेल्स में. ऑब्वियस वो मदर सेल्स में ही होंगे, ठीक है? तो स्ट्रॉबिलाई देखो, आपको पिक्चर में बच्चों ऊपर दिखा रखा है, ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच आई एम मार्किंग हियर, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम स्ट्रॉबिलाई कहते हैं या फिर कोन्स भी कहते हैं. ये प्रेजेंट होता है टेरिडोफाइट्स में, ठीक है? ये आपको दिखा रखी है सेकेंड पिक्चर, जिसे अगर आप ध्यान से देखेंगे जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें. स्पोर मदर सेल की बात करें तो यहाँ पर ये आपके पास स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है विच आई एम मार्किंग, ठीक है? इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पोर्स बाय मियोसिस. मियोसिस का प्रोसेस यहाँ दिखा रखा है, रिडक्शनल डिविजन भी कहते हैं मियोसिस को. और ये आगे जाकर ये स्पोर्स में डिवाइड हो जाते हैं, आगे स्पोर्स बन जाते हैं. स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक हेलॉइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथेलस. ज्यादा बड़ा हो गया, सुनो. स्पोरोफिल्स जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं एक छोटे इनकॉन्स्पिशियस, मतलब ना के बराबर, जो हम अपने आंखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते, बहुत छोटे दिखाई देते हैं. मल्टी सेलुलर होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, प्रोथेलस, जिसका फिगर आपको थर्ड पिक्चर में दिखाई दी है, ये सारा प्रोथेलस है आपके पास, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से होता है. दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर, इनको कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है, सिर्फ कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस पे ही ग्रो करते हैं, ठीक है? ये तो हुआ स्ट्रक्चर की बात. अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स. गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंट्रीडिया एंड आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है? जो गैमेटोफाइट्स है उनके पास मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है. मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंट्रीडिया कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनिया कहते हैं.
वॉटर जो होते हैं वो एक मीडिया मैन के लिए, जहां से जो एंथ्रीडिया मतलब मेल सेक्स ऑर्गेन जो एंथ्रोजॉइट्स प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स, वो रिलीज होते हैं ठीक है, और एंथ्रीडिया तक पहुंचते हैं किसके जरिए, एक मीडियम दैट इज वॉटर, टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। तो ये आर्किगोनियम के माउथ तक रीच करते हैं, इससे क्या होता है फ्यूजन होती है दोनों गैमेट्स की, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम। तो आर्किगोनियम क्योंकि एक फीमेल सेक्स ऑर्गेन है, इसमें एग प्रेजेंट होगा, तो मेल गैमेट और एग की जब फ्यूजन होती है तो उससे क्या बनता है हमारे पास, जाइगोट। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस अ मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। जाइगोट इसके बाद एक मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोरोफाइट को, विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट, यही अभी हमने पीछे पढ़ा। तो जाइगोट जो एक मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करता है, जो क्या होता है हमारे पास डोमिनेंट फेज होता है टेरिडोफाइट्स को। फिगर में आपको दिखा रखा है ऊपर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में, ये हमारे पास एंथ्रीडिया यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन, ये हमारे पास आर्किगोनिया यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। ये कुछ राइजोइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के सबसे लोअर पार्ट पे, ये रूट लाइक की हेयर की तरह दिखाई देते हैं ठीक है। बात करते हैं स्पोरोफाइट की, नीचे आपको स्पोरोफाइट दिखा रखा है जो कि डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट्स की, वो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं स्पोरोफाइट्स ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स इन टेरिडोफाइट्स। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स। देखो ज्यादातर जो टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स जिस इसके अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं उनके जो स्पोर्स होते हैं वो एक जैसे लगते हैं देखने में ठीक है, उसे कहते हैं होमोस्पोरस। लेकिन जो सिलेंजिनेलिया और सेल्विनिया ये जो कुछ प्लांट्स है ये एक्सेप्शन प्लांट्स है जिसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं अलग अलग तरह के, टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, एक लार्ज होता है मतलब मैक्रो, एक स्मॉल होता है मतलब माइक्रोस्पोर्स आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। तो होमोस्पोर्स और हेट्रोस्पोर्स में आपको डिफरेंस पता लग गया, जहां अगर हमें स्पोर्स एक जैसे दिखाई देंगे वहां होमोस्पोरस, जहां डिफरेंट स्पोर्स दिखाई देंगे फॉर एग्जाम्पल सिलेजिनेलिया एंड सेल्विनिया वहां उसे हेट्रोस्पोरस कहेंगे। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर, मेगा मतलब फीमेल स्पोर एंड माइक्रो मतलब मेल स्पोर जर्मिनेट करेंगे एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स ठीक है, वो स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और बाकी गैमेटोफाइट फेज दिखाएंगे फीमेल एंड मेल रिस्पेक्टिवली। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रॉयस टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। ऑब्वियसली बात है जाइगोट की डेवलपमेंट होगी जब एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाएगा वो, तो वो किसमें होगा फीमेल गैमेटोफाइट्स में। दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये सीड हैबिट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो इवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके आने वाले जो आगे प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म वो सीड बियरिंग प्लांट्स है, लेकिन अब तक एल्गी ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स ये सारे सीड को कंटेन नहीं करते हैं, ये सीड बियरिंग प्लांट्स नहीं है। होमोस्पोरस आपको दिखा रखा है, देखो इसमें मेल एंड फीमेल स्पोर्स दोनों गैमेट्स आपस में हैं, लेकिन हमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे ढंग से कि कौन सा मेल है एंड कौन सा फीमेल। इसी तरह के स्पोर्स को हम क्या कहते हैं होमोस्पोरस। दूसरी जगह हमें को ये माइक्रोस्कोप का एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमें मेगास्पोर भी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं और माइक्रोस्पोर्स छोटे होते हैं, अभी हमने बात की वहां से दिखाए गए। तो इस तरह के स्पोर्स को हम हेट्रोस्पोर्स कहते हैं ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करें वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है, मैं ऐसे ही और वीडियोस डेली अपलोड करूंगी, मेरे साथ बने रहिए। कमेंट करिए, आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।